स्पिनिंग मॉप विद बकेट का। सो ये कुछ इस तरीके की बकेट है, क्योंकि बहुत मुझे छोटी सी लगी थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, पर ये काम बहुत अच्छा करती है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। तो ये मेरा बेस्ट, जो भी मैंने इतना सारा सामान खरीदा है अमेजोन से, तो उसमें ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे। मैं ऑलमोस्ट जब मैं पहले मॉप यूज़ करती थी, तो पहले भी मेरे पास एक मॉप था जिससे मुझे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे घर का पोछा लगाते लगाते। तो कभी कभार लगाती थी मैं, बट फिर भी 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। बट आफ्टर बाइंग दिस ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे में मेरी पूरी घर की सफाई हो जाती है। उसमें झाड़ू मारना हो या पोछा मारना हो, सब हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है काम करना। सो वैसे मैं तो घर पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ, बट मेरी मम्मा रहती है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम करना, बिकॉज मैं हॉस्टल पर रहती हूँ और मेरी मम्मा ही घर पर रहती हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। सो मैंने इसको मंगाया है और इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड विद वीडियो। अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो आप उसमें से इसको बाय कर सकते हो और ऑफर को इन्जॉय कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो सबसे पहले आपको बकेट में मिल जाता है एक फ्लोर डिसइंफेक्टेंट, जिससे आप डाल सकते हैं जब भी आप पोछा लगाएंगे। एक आपको स्पिनर मिल जाता है और बकेट में आपको पानी भरने के लिए स्पेस मिल जाता है। और ये आपको बकेट उठाने के लिए एक हैंडल मिल जाता है। और ये पीछे से अगर आप खींचना चाहें बकेट को, जब आप बकेट में पानी हो तो आप ये इससे खींच सकते हैं। इसकी हेल्प से इसको लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जिनको कमर में दर्द होता है, ये फीचर उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है आई थिंक। तो आप इसको इस तरीके से लगा भी सकते हैं। और नीचे आपको एक बटन मिलेगा, वहाँ पे आप, वहाँ से आप गंदा पानी जो बकेट में होता है उसे निकाल सकते हैं, या फिर आप जब बकेट धोएं तो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको खोल दें, बंद कर दें। और साइड में आपको ये व्हील्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप इस बकेट को मूव कर पाते हैं। सो आप इसको ऐसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं, कुछ जब भी आप बकेट को उठाना ना चाहें तो आप खींच करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये बकेट थोड़ी साइज उसका छोटा लगा था मुझे, बट ये काम बहुत अच्छा करता है, ट्रस्ट मी। ये आ जाता है आपका मॉप, जो जिसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप पे आपको एक हैंडल मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ है, और बीच में भी आपको बीच में अटैचमेंट्स मिल जाते हैं। ये लॉक है जिसको आप मूव कर सकते हैं, और इसका बटन कुछ इस तरीके से बंद करके इसको लॉक कर सकते हैं अपने हाइट वाइज। आपको हेड मिल जाता है 180 रोटेशन वाला, जिसको आप जब भी आप बेड के नीचे या सोफे के नीचे पोछा लगाना चाहें तो आप इस तरीके से मूव करके उसको पोछा लगा सकते हैं। जब भी पोछा लगाएं, सबसे पहले आप झाड़ू लगा लें, उसके बाद आप बकेट में कुछ इतना पानी भर लें। आप पानी फिर से भर सकते हैं, मैं थोड़ा ही पानी लेती हूँ जिससे कम से कम पानी में पोछा लगे, वाटर भी वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा गीला पोछा भी नहीं लगेगा। सो आप मॉप को कुछ लॉक ओपन करके इस तरीके से स्पिन करें 1 से 2 बार इस तरीके से, तो मॉप हमारा पूरा भीग जाएगा। तो 2-3 बार करने के बाद आप इसको स्पिनर में डाल दें। स्पिनर में भी आपको 4 से 5 बार स्पिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो मॉप है वो सूख जाएगा पूरी तरीके से। अगर आपका मॉप पूरी तरीके से ना सूखे तो आप फ़ैन ऑन करके पोछा लगा सकते हैं, जब भी आप लगाएं तो आप उसके बाद स्पिन करने के बाद 4 से 5 बार लॉक कर लें, और फिर अपनी हाइट के हिसाब से आप लॉक करें इसको, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप लॉक कर सकते हैं। फिर इसको एक बार स्विंग कीजिए कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जिससे आपका मॉप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप स्विंग करने के बाद इसको फ्लैट पूरा रखिए और अपने पैर से कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा एंगल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप पोछा आराम से लगा सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है इससे पोछा लगाना, ट्रस्ट मी। मैं पहले, मुझे बहुत परेशानी होती थी पोछा लगाते टाइम, क्योंकि जो मेरा पुराना मॉप था वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता था। सो आप ज़रूर इसको ट्राई करें पोछा, एक रूम में 5 मिनट में मेरा ऑलमोस्ट लग जाता है पोछा।
आप देख ही सकते हैं किस तरीके से जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा रही हूँ। सो इसमें आपको जो फीचर मिलता है 180 डिग्री हेड पोर्शन को इसको मूव करने का, उसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली बेड के नीचे, सोफे के नीचे या कोई भी आपका जो सामान रखा है उसके नीचे मॉप को आराम से नीचे पुश करके आप आराम से पोछा लगा सकते हैं। और आप कुछ इस तरीके से मॉप को हेड में एडजस्ट कर सकते हैं पैरों की हेल्प से। मॉप को उसके हेड में एडजस्ट करना बहुत ही इजी है, आप यूज़ टू हो जाएंगे इसके जब आप रोज़ रोज़ बदलेंगे। आप ट्राई करें कि आप हफ्ते में इसको एक दो बार बदलें, वॉश भी कर सकते हैं आप इस मॉप को इजीली रिमूव करके वॉशिंग मशीन में, या फिर हाथों से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैं वीडियो में निकाल रही हूँ। मॉप और जो हेड होता है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, आप उसको स्क्रू ड्राइवर में डाल इस तरीके से डाल के निकाल सकते हैं। आप पैरों वाला जो मेथड होता है मॉप को निकालने का वो यूज़ ना करें, उससे आपका मॉप टूट सकता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू इंटरेस्टेड।